शेडियाँ तो मैं यूज़ करने वाली हूँ. नाइस. ओह इट एक्चुअली स्मेल्स नाइस लाइक दिस आर वेरी सॉफ्ट. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. I hope आपने मेरी recent upload देख ली होगी और नायका recommendation. उसमें मैंने आपको दिखाया था कि नायका ने मुझे एक गुडी बैग भेजा है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी नायका की हॉट पिंक सेल पे अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं. बट उसमें मैंने इतनी सारी नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन कर दी. वीडियो बहुत लंबी हो गई थी सो आई थॉट चलो ये अलग से फिल्म कर लेंगे. वो वीडियो ज़रूर जाके देखना. उसमें मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए हैं जो अमेजिंग डील पर है. ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर माई पर्सनल फेवरेट जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ, फ्रॉम स्किन केयर टू मेकअप. सो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए कैसा स्किन केयर मेकअप लेना चाहिए, वो वीडियो जरूर जाके देखना. यू विल फाइंड सम अमेजिंग रिकमेंडेशन. ऑल्सो उस वीडियो में गिव अवे भी चल रहा है विच इज माई 200K सब्सक्राइबर गिव अवे. सो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप वहां जाकर उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. आई बी गोइंग इन अ वेरी रैंडम ऑर्डर. सबसे पहले है इसके अंदर स्टिकर्स विच आर वेरी वेरी कूल. इसके अंदर थोड़े से फ्रिज मैग्नेट्स भी आए थे जो आते ही हमने लगा दिए फ्रिज पर. एंड वी हैव सम कूल स्टिकर्स नायका के एंड कॉज द पैम्पलेट ऑफ हॉट पिंक सेल्स. इस बार काफी अच्छे डिस्काउंट है. इनफैक्ट जिससे पहले सेल लगी थी उससे बेटर डील्स मुझे इस वाली सेल में लग रही है. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. इसी ना जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छी डील पर है. इन सबके लिंक्स ऑफकोर्स आपको नीचे मिल जाएंगे. सो लेट्स डाइव इनटू इट. नंबर वन आइटम इज बाय कॉसारेक्स. ये मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है. जब न्यू लॉन्च हुआ था ना कॉसारेक्स, आई थिंक मैक्रॉन पे लॉन्च हुआ था और सम कोरियन वेबसाइट जो इंडिया में आई थी, मैंने वहां से ऑर्डर किया था खुद के पैसों से. मुझे ये ट्राई करना था एंड आई रियली लव्ड इट. सो ग्लैड आई गॉट दिस इन माय नायका बैग. This is the COSRX AHA BHA Clarifying Treatment Toner. ये काफी अच्छा टोनर है. अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है ना, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. लेट मी जस्ट शो यू गाइज. ये ना स्प्रे फॉर्म में आता है. आई होप अभी भी स्प्रे फॉर्म में आता होगा. सो मैं इसको फेस पे स्प्रे करने को नहीं बोलूंगी. या इट कम्स इन अ स्प्रे फॉर्म नाउ. पहले भी ऐसे ही आता था. सो मैं इसको स्प्रे करने को नहीं बोलूंगी बिकॉज क्या है ना, इसमें AHA BHA या आईज में चला गया थोड़ा सा इरिटेटिंग फील हो सकता है. लेकिन आप इसको कॉटन पैड पे लगा के डेफिनेटली यूज कर सकते हो. इट क्लेंजेस योर स्किन रियली वेल. काफी अच्छे से जो डर्ट गंक होता है वो ये निकाल देता है. इट हैज नो नैस्टी इंग्रेडिएंट्स. इट हैज लो पीएच फॉर्मुला विद प्योरिफाइंग बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स. ये टोनर रिफ्रेश करता है, सूथ करता है एंड सॉफ्ट करता है आपकी स्किन को. सो या ये डेफिनेटली अच्छी डील पे होगा तो जरूर लेना. इसके अलावा मुझे कॉसारेक्स का AHA BHA मॉर्निंग क्लेंजर बहुत पसंद है. वो भी आप ले सकते हो. दैट यूज टू बी माई फेवरेट मॉर्निंग क्लेंजर जो मैं सुबह यूज करती थी. अब मैं कुछ और यूज कर रही हूँ बट दैट वन इज ऑल्सो गुड. अगर वो भी डील पे होगा मैं नीचे लिंक कर दूंगी, डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम डव. ये है डव का ब्यूटीफुल कर्ल्स हाइड्रेटिंग शैम्पू फॉर स्मूथ बाउंसी एंड शाइनी कर्ल्स. ओह ये कर्ली हेयर के लिए है. सो आई थिंक ये जो CGM या फिर कर्ली गर्ल रूटीन एंड ऑल फॉलो करते होंगे ना, ये उनके लिए होगा. ये स्मूथ शाइनी बाउंसी कर्ल्स देता है. इसके ना कोई सल्फेट नहीं है, कोई पैराबिन नहीं है, कोई डाई नहीं है. सो अगर आपके भी सुप्रीमली कर्ली हेयर है, मेरे सॉर्ट ऑफ वेवी हेयर है विच इज ऑलमोस्ट लाइक वेवी एंड स्ट्रेट, तो मेरे पे तो ये ज्यादा सूट नहीं करेगा. अगर आपके कर्ली हेयर है तो आप डेफिनेटली ऐसा शैम्पू ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम लक्स. ये लक्स का एसेंस ऑफ हिमालयाज लैवेंडर एंड विटामिन सी क्रेम बॉडी स्क्रब. ओह माय गॉड, मुझे लिटरली लगा लक्स खाली साबुन या फिर बॉडी वॉश बनाता होगा. मुझे नहीं पता लक्स के बॉडी स्क्रब भी आ चुके हैं. सो लेट्स क्विकली ओपन इट. ये पूरा से पैक्ड है तो इसको जरा खोल के देखते हैं. आई लव द साइज एज वेल. लाइक बाहर से तो काफी बड़ा इसका साइज लग रहा है. लक्स के सोप हमने बहुत यूज करे हैं. मतलब जब पहले ऐश्वर्या राय का एड आता था ना, लिटरली ऐसा लगता था हम भी अगर यूज करेंगे ऐश्वर्या जैसी स्किन हो जाएगी. उसके बाद आई थिंक करीना आई थी. सो हमारे उस टाइम की सेलिब्रिटी वो फेवरेट होते थे तो मैं लक्स लिटरली तभी परचेज करके यूज करती थी. सो ये कुछ इस तरह से दिखता है एंड इट इज अ बॉडी स्क्रब. यू कैन नेवर हैव इनफ बॉडी स्क्रब. मैंने जस्ट अभी दो स्क्रब पूरे फिनिश करे हैं बिकॉज मैं एमटीज वीडियो के लिए भी प्रोडक्ट्स प्लान कर रही हूँ. काफी सारे प्रोडक्ट जो मेरे इतने बचे थे ना, मैं हम सब उनको निचोड़ निचोड़ के यूज करके खत्म कर रही हूँ ताकि फ्यूचर एमटीज वीडियो में दिखा पाऊँ. सो आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट अ न्यू स्क्रब. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. द क्वांटिटी इज गुड. अच्छी खासी आपको क्वांटिटी मिल रही है. ये ऐसे जार पैकेजिंग में आता है एंड देन वी हैव अ सील एज वेल. ओह एक्चुअली स्मेल्स नाइस. तो वो लैवेंडर की खुशबू होती है ना, जो आप अच्छे अच्छे होटल्स में जाते हो ना, वो लैवेंडर की खुशबू. इट स्मेल्स सो गुड. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट हैज़ अ स्क्रबी स्क्रबी टेक्सचर. लेकिन स्क्रब इतने ज़्यादा नहीं. सो इसके जो स्क्रब है ना वो काफ़ी दूर दूर है. इट्स नॉट दैट प्रॉपर वाला बॉडी स्क्रब जो हार्श वाला होता है. सो ये आई थिंक कॉम्बिनेशन है. ये बॉडी स्क्रब का भी काम करेगा, थोड़ा बहुत बॉडी वॉश का भी काम करेगा. या आई डेफिनेटली ट्राई एंड लेट यू नो. नेक्स्ट आइटम की कंडीशन थोड़ी दबी दबी आई है बिकॉज ये बैग पूरे से टाइटली पैक था. बट दिस वन सीम्स इंटरेस्टिंग. ये ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल का प्रीमियम 10 पीस मेकअप ब्रश सेट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ब्रॉन्ज इज अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड.
मेरे पास ब्रॉन्सन का लैश कलर है, इनके कोम बहुत अच्छे हैं, इनके टूल्स अच्छे हैं जो ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, मेरे पास ब्रॉन्सन के एक दो ब्रशेस भी हैं, मतलब ये अच्छी सस्ती ब्रांड है जो नायका वे भी अच्छी डील पर अवेलेबल है, तो अगर इन्होंने भेजा है तो डेफिनेटली अच्छी डील पर होगा। नाइस, तो ये 10-पीस ब्रशेस का सेट है। बैक टू बैक 4 घंटे से शूट कर रही हो, मेरा गला अब जाने वाला है। मुझे समझ आया कि मेरी सोशल साइंस की टीचर गला इतना ख़राब क्यों होता था, सारे दिन ऐसे बोल बोल के गले ख़राब हो जाते हैं। सो सबसे पहले इसमें 5 फेस के ब्रशेज जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले ये एंगुलर ब्रश है विच इज़ नाइस, इससे काफ़ी अच्छे आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट है, इतने ज़्यादा डेंस नहीं है, थोड़े हल्के हल्के हैं। देन हमारे पास है एक और ब्रश जो थोड़ा सा फ्लैट टॉप कबूकी है लेकिन एंगल में है, कैन यू सी, फ्लैट है लेकिन एक छोटा सा एंगल आ रहा है, तो इससे आप काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग कर सकते हो। फिर एक प्रॉपर कबूकी ब्रश है जो एकदम स्ट्रेट है, नो एंगल एट ऑल, थोड़े बहुत इनके हेयर निकल रहे हैं, इट सीम्स बियर्ड, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, सो यू कैन सी थोड़े बहुत बाल इनके निकल रहे हैं, बट चलो कोई नहीं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, इट्स नॉट दैट डेंस। मेरे पास जो मार्स के ब्रशेज है ना वो इससे ज़्यादा डेंस है, ये इतने डेंस नहीं है, बट हल्के फुल्के पाउडरिंग एप्लीकेशन के लिए नॉट बैड। फिर हमारे पास एक और फ्लफी सा ब्रश है जो आई थिंक ब्लश लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है, और एक और ब्रश है जिसकी शेप मुझे समझ ही नहीं आई, लाइक व्हाट इज़ दिस शेप, ये कटा हुआ है या क्या है, मुझे नीटली कट नहीं लग रहा है, इसका एंगल मुझे बड़ा ख़राब सा लग रहा है, आई थिंक ये डोम सॉर्ट ऑफ ब्रश था लेकिन इसके एंगल थोड़े से वियर्ड मुझे लग रहे हैं, सो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बाकी 4 ब्रशेज अच्छे। एंड वी ऑल्सो हैव 5 आई के ब्रशेज, या फिर आप कंसीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लाइक ये आई शेडो एप्लीकेटर का काफ़ी अच्छा ब्रश है, ये एकदम फ्लैट है आगे से, तो आप इससे अपनी लोअर वॉट लाइन पे, लाइक आपको ऐसे ऐसे ब्लेंडिंग करनी हो ना तो आप वो कर सकते हो, अगर आपको कुछ स्मज करना है। एक छोटा सा ब्रश है ये भी स्मजिंग या फिर एप्लीकेशन के काम आएगा, काफ़ी स्टिफ है, सो इसे आप ग्लिटर आई शेडो पिकअप कर सकते हो। देन नेक्स्ट अप वी हैव एंगुलर ब्रश जो ऑलमोस्ट इसके जैसा है लेकिन थोड़ा सा कम डेंस है और एक एंगल पे है। एंड लास्ट वी हैव दिस डोम एप्लीकेटर ब्लश जिससे ब्रश जिससे आप काफ़ी अच्छे यहाँ पे हाईलाइटिंग कर सकते हो, इसकी बहुत प्यारी ऐसे डोम शेप है। बिगिनर हो ना आप, सस्ते ब्रशेस देख रहे हो तो नॉट बैड, लाइक दे फील नाइस, दे डोंट फील बैड क्वालिटी। मैंने एक बार अमेजोन से ब्रश सेट मंगाया था, उसमें इतनी गंदी स्मेल थी ना, मैंने रिटर्न कर दिया था, सो ऐसे कोई स्मेल नहीं है, दीज आर गुड लाइक एवरेज क्वालिटी के फील हो रहे हैं, सो बिगिनर्स के लिए ये ब्रश सेट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अप वी हैव डॉटन की विटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ करी हुई है। डॉटन की सनस्क्रीन अच्छी है, मैंने इनकी वाटरप्रूफ वाली यूज़ करी है, टिंटेड सनस्क्रीन मेरी फेवरेट है, मैंने जस्ट अभी नायका के नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन में भी बताई थी, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो ले ही लो। सो ये नॉर्मल वाली सनस्क्रीन है जो अलग अलग इनके वेरियंट्स में आती है, ये वाटर लाइट फ्लूड सनस्क्रीन है विद SPF 50 एंड PA 4x+, सो ये कुछ इस तरह से दिखती है, मैं ओपन नहीं कर रही, मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक पैकेजिंग रखी है। These are good, they blend really well into your skin. काफी light है, hydrating feel होती है, and इसमें और भी ingredients की goodness है जो definitely आपके skin को अच्छे effect देती है। Nykaa के PR box में एक particular product हमेशा होता है which is minimalist. Minimalist का serum हमेशा आता है because Nykaa की sale पे अच्छे discount आते हैं minimalist पे. This is the minimalist 10% niacinamide serum. I already have one, ये मैं use करती हूँ. Niacinamide is a very nice ingredient जो oil को control करता है, acne marks को fade out करता है, and overall आपके skin के barrier को repair करता है, लेकिन 10% niacinamide ना सबको नहीं सूट करता, ये बात मुझे बहुत टाइम बाद जाके पता चली, जब बहुत लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि हमने यूज किया एक्ने हो गए, तो niacinamide का पहले पैच टेस्ट करना, 5% से शुरू करो, अगर लगता है सूट हो रहा है तभी 10% लेना, अदरवाइज मैंने काफी लोगों को देखा जिनको niacinamide यूज करके एक्ने और बढ़ गए, सो या यूज इट वाइजली। लेकिन मिनिमलिस्ट में मुझे इनका विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा लगता है, इनका सैलिसिलिक एसिड सीरम मेरा फेवरेट है, वो मैंने नॉन स्पॉन्सर्ड में भी आपको बताया था, अल्फा आर्बिटिन इनका बहुत अच्छा सीरम है, सो ये वाले सीरम्स आप शॉर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो समथिंग विच आई फर्स्टली यूज ट्राइड एंड रिकमेंडेड, मैंने जस्ट अभी प्लम की जो सेल रिकमेंडेशन करी थी मैंने उसमें भी आपको बताया था, ये है प्लम का राइस वाटर एंड नायसिनमाइड क्लियर मॉइस्चर क्रेम, जेल क्रेम है बेसिकली, फेड्स ब्लेमिशेस, रेगुलेट सीबम ओवर प्रोडक्शन, सो ये भी नायसिनमाइड बेस्ड है, इसके अंदर राइस वाटर है तो ये एक्ने के मार्क्स को भी कम करता है, ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करता है, मेरे पास ऑलरेडी इसका एक जार है जो दूसरे स्टूडियो रूम में रखा हुआ है, वेरी नाइस, ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा जेल मॉइस्चराइजर है, यू कैन डेफिनेटली बाय इट। नेक्स्ट अप वी हैव अ सीरम फ्रॉम लॉरियल, ये है लॉरियल का एक्सटेंसो केयर सीरम, ये एंटी फ्रिज, एंटी ब्रेकेज, एंटी ड्राइनेस सीरम है, दिस आउट लुक्स लाइक, लॉरियल की काफी रेंजेस आती हैं, ये उसका एक्सटेंसो रेंज का है, मैं पर्सनली लॉरियल के सीरम्स की काफी फैन हूँ, लाइक मेरी वैनिटी में अभी रखे हुआ है, सो आई शुड शो यू गाइज एज वेल, ये दोनों सीरम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर ये सेल पे हैं तो डेफिनेटली ले लो, ये मैं काफी यूज करती हूँ, इसको मैं हेयर एंड्स पे भी लगाती हूँ, ब्लो ड्राई करने से पहले
भी लगाती हूँ एंड दिस वन इज ऑल्सो नाइस, दिस इज द लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है ना तो आप ये यूज़ करना. इसको तो मैं काफ़ी बार एज अ ओवरनाइट ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ, लाइक अपने बालों में लगाती हूँ, स्कैल्प में नहीं. मैं इसको अपनी हेयर लेंथ में अच्छे से मसाज करती हूँ और अगले दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ. ये काफ़ी अच्छा 10-in-1 सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जो हीट ट्रीटमेंट की तरह भी काम करता है, ऑयलिंग की तरह भी, सीरम की तरह भी. सो ये दोनों सीरम तो लॉरियल के मेरे शॉर्ट फेवरेट हैं. दिस वन इज समथिंग न्यू. अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे नीचे जरूर बताना कि ये कैसा है. नेक्स्ट अप वी हैव अनदर मस्ट हैव जो हमेशा नायका के पीआर बॉक्स में होता है, नायका का शैम्पू. इस पर काफ़ी अच्छी डील आती है सेल पर, बाय वन गेट वन फ्लैट 50% ऑफ, तो आप ले सकते हो. नायका के मैंने सारे शैम्पू यूज़ करे ऑलमोस्ट, लेकिन ये अनियन फेनुग्रीक वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है. अच्छा शैम्पू है, डिसेंट है. मैं इसको एज अ फर्स्ट क्लेंजर यूज़ कर लेती हूँ, फिर सेकंड क्लेंजिंग किसी और शैम्पू से कर लेती हूँ. फोम बहुत अच्छा बनता है, बालों को अच्छे से क्लेंज करता है. लाइक इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बस ये अच्छे से आपके बालों को साफ कर देता है, दैट्स इट. ये SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है, SLES नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई नो एडिड कोई कलर नहीं है, थैलेट फ्री है. सो अगर आप एक अच्छा SLS फ्री शैम्पू देख रहे हो जो सेफ हो आपके बालों के लिए, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. नेक्स्ट अप इज आई शेडो पैलेट. ये स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट. मेरे पास ऑलरेडी ये पैलेट है और मैंने अभी रिकमेंड भी करी है अपनी नायका नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन में. आप वो जाके देख सकते हो कि कौन सा शेड मैंने उसमें बताया है. बट दिस वन इज न्यू वन एंड दिस सीम्स टू बी अ वेरी वार्म काइंड ऑफ पैलेट. इसका शेड है 03. इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं बाय द वे. दिस इज 03 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाइस शिमर वाले शेड हैं, एक लाइट में भी है, थोड़े से मैट शेड भी है, मैट शेड है, दिस वन इज मैट. और या लाइक इससे आप कोई भी ब्राइडल लुक भी कर सकते हो अगर आप पोस्ट वेडिंग ये लुक कुछ करना चाहते हो ना. सो दिस इज नाइस बिकॉज शादी के बाद ना ऐसे ब्रोंजी थोड़े से गोल्डनिश शेड अच्छे लगते हैं, आपके सारे आउटफिट पे जाते हैं. और ये बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल है, मैंने अपनी नॉन स्पॉन्सर रिकमेंडेशन में भी बताया था. द डील इज क्रेजी, सो यू कैन डेफिनेटली शॉप दिस पैलेट. एंड फाइनली वी हैव फ्यू लिपस्टिक्स फ्रॉम नायका, सो लेट्स क्विकली चेक इट आउट. सबसे पहली लिपस्टिक नायका से ही है. दिस इज द नायका मैट लक्स लिपस्टिक. दिस इज आवर लुक्स लाइक. ये मैंने कभी ट्राई नहीं करी. दिस इज इनरिच्ड विद एवोकाडो ऑयल एंड दिस इज आवर द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट इज इन द शेड एथ लेजर. दिस इज आवर लुक्स लाइक. सो इनके जो शेड है ना वो बाहर ही है, लाइक पैकेजिंग पे आपको पता चल जाएगा कि इनका एक्चुअल शेड क्या है अंदर से. एंड वंस यू ओपन इट, या इट्स नाइस. इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूडिश पिंक शेड. सो दिस इज एथ लेजर. ओ माई गॉड, सच अ ब्यूटिफुल शेड. ये तो मैं यूज़ करने वाली हूँ. नाइस, एक्चुअली अ वेरी प्रिटी एवरीडे कलर. लाइक अगर आप डेली बेसिस के लिए कुछ वर्क या ऑफिस के लिए देख रहे हो जो एकदम ऑन फेस पिंक ना लगे, ऑन फेस ब्राइट ना लगे, लेकिन फिर भी सुंदर लगे, दिस इज गुड. एंड आई लव द पैकेजिंग, बड़ी सुंदर लग रही है. इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैग्नेटिक पैकेजिंग जो ऐसे एकदम ऐसे हो जाती है, विच इज नाइस. सो इस पर डेफिनेटली डील अच्छी होगी. नायका की अपनी ब्रांड्स पे जब भी सेल आती है तो डील अच्छी होती है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट. नेक्स्ट लिपस्टिक इज ऑल्सो फ्रॉम नायका. ये है उनकी मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक. मैंने जस्ट अभी अपने नॉन स्पॉन्सर रिकमेंडेशन में एक शेड रेफर किया है दैट आई लव. मतलब वो तो सबसे ब्यूटिफुल इस पूरी रेंज का शेड है. आप वो जाके देखना, आपको पता चल जाएगा. वो मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे खत्म कर दिया, मतलब मैंने आपको ऐसे घिसा घिसा के दिखाया बिकॉज वो खत्म हो गई थी. नाउ वी हैव समथिंग न्यू बट इन अ डिफरेंट शेड. ये वो वाला शेड नहीं है, दिस इज द शेड बॉम्बे. सो इसमें अलग अलग शेड्स आते हैं, काफ़ी क्वर्की नाम होते हैं इनके. उस वाले का भी नाम काफ़ी डिफरेंट था, सिटी के नेम पे आई थिंक ये. सो या लेट्स जस्ट वॉच इट, काफ़ी सिमिलर लग रहा है. इट एक्चुअली लुक्स लाइक दैट शेड ओनली. सो या जस्ट वॉच इट. Ooh, it's nice. It's a very beautiful pink nude color. और ये matte होके ना सुंदर लगते हैं. These are comfortable. ये वो वाली matte नहीं है जो आपके lips को ऐसे सुखा देगी, dry कर देगी. These are very comfortable matte formula. Yeah, it looks nice. Nice. Finally, at last, we have this e.l.f. lipstick, which is e.l.f. O Face Satin Lipstick. e.l.f. पे हमेशा जब भी नायका पे सेल आती है ना, buy one get one मिलता है, तो e.l.f. के प्रोडक्ट्स तो ले ही लो. मैं खुद भी रिकमेंड करूंगी. इनके मिनी बाइट साइज वाले पैलेट मुझे बहुत पसंद है. वो मैंने रिकमेंड नहीं किया हमने नायका रिकमेंडेशन में. आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दोस पैलेट. मैं अभी दिखा देती हूँ. आई हैव इट हियर. वैनिटी के पास बैठने का ये फायदा होता है. सो दिस इज द e.l.f. बाइट साइज आई शेडो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये बड़ी सुंदर पैलेट है. चार शेड आते हैं बट इससे आप कोई भी लुक कर सकते हो. मैं तो ये इतनी यूज करती हूँ ना. दीज आर वेरी वर्सटाइल एंड गुड क्वालिटी. सो ये सब आपको बाय वन गेट वन पे मिलेगा एल्फ की सेल पे और नायका पर. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये निकल नहीं रही है. दिस इज ओ फेस सैटिन लिपस्टिक इन द शेड शेमलेस. लव द पैकेजिंग. जरा इसको भी खोल के देखते हैं. ऑलमोस्ट सारे शेड सिमिलर ही भेजे हैं नायका ने. इसका भी ऑलमोस्ट सेम शेड है. कैन यू सी एल्फ हेयर. इसमें यहाँ पे एल्फ लिखा हुआ है, विच इज नाइस. लेट जस्ट वॉच इट.
इसका थोड़ा सा ब्राइटर शेड है, लाइक फर्स्ट वाला जो मैंने नायका दिखाते हैं थोड़ा सा न्यूड फैमिली से, और ये एकदम ब्राइट पिंकिश सॉर्ट ऑफ शेड है विच इज नाइस. अगर आपको ऐसे ब्राइट शेड पसंद है आप ये एल्फ की लिपस्टिक ले सकते हो. पर्सनली लव्ड ऑल द थ्री शेड्स, ये कहीं ना कहीं मेरे टाइप के शेड है जो मुझे अच्छे लगते हैं. एंड विद दिस वी आर डन विद नायका हॉट पिंक सेल अनबॉक्सिंग. बैग पूरा खाली हो चुका है. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड इसके अलावा प्लीज वो वीडियो जाकर देखना, मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन करे हैं. हैप्पी शॉपिंग, डू शॉप, लेट मी नो, मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पर आपने क्या शॉप किया. डू पार्टिसिपेट इन माई 2 लाख सब्सक्राइबर गिव अवे, उसी वीडियो में आपको पार्टिसिपेट करना है तो वो वहां पर जाके आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो. एंड दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.